Hello friends, welcome to Unacademy Studio Rise. This is India's largest online education platform. Today I am going to take a session on Payment Bank, Small Finance Bank, Digital Payment and Banking Ombudsman. Without any delay, you know about me. I have pursued my Master and LLB from Allahabad University. Last 20 years I am teaching Economics for the Civil Services. I have authored many books like Indian International Economy, Summary of India Books, Summary of Economics Survey and Current Affairs. Now I am going to tell you something about Unacademy Plus platform. On this platform, India's expert, above 77 experts are serving here. They educate the students online. Self-made study material according to exam oriented and also test series. Here total course completed in a fixed time. If you join UPSC Civil Services course which here avail, the 1 year course is, 1 year course fee is the 40,000 rupees. Here Raju Live, RAJULIV. आप इस कोड को यूज करके 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट पा सकते हैं और आपकी फी बन जाती है 36,000 रुपीस। ये एक साल का कोर्स है और इस एक साल के कोर्स में आपको फैसिलिटी क्या मिलता है? ऑनलाइन क्लास है, लाइव क्लास है, वन टू वन इंटरेक्शन है टीचर के साथ सेम टाइम। यहां पर प्री रिकॉर्डेड वीडियोज होता है। अब अगर मान लीजिए क्लास मिस हो गया है तो आप डाउनलोड करके और मेनी टाइम्स डाउनलोड, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप पढ़ सकते हैं, मीन्स बार बार रिवाइज कर सकते हैं। डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, जो भी आपके डाउट कलेक्ट हुए हैं आप इस सेशन में उसको सॉल्व कर सकते हैं अपने टीचर्स के साथ। यहां पर ऑसम टेस्ट सीरीज है जिसके थ्रू आप अपने को रियल एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। ये खास बात है। वीकली मॉक टेस्ट होता है, इसके थ्रू आप अपनी पोजीशन जान सकते हैं और अपने अंदर इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। ठीक है, सबसे खास बात है ये पर्सनलाइज्ड लर्निंग सिस्टम है। ये आपको ये फैसिलिटी देता है, आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करो कि हमें कितने बजे पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट के लेक्चर सुनने हैं, किस एडुकेटर्स की सुनने हैं। आप इन सब बातों में टोटली फ्री होते हैं। आपको ना तो अपने एकेडमिक को से कोई समझौता करनी है, ना ही आपको कोई अपना जॉब छोड़ना है, ना ही आपको अपनी कोई सिटी छोड़नी है। अपने गांव शहर में रहते हुए, अपने एकेडमिक्स को कंटिन्यू करते हुए, अपने जॉब को कंटिन्यू करते हुए, अपनी फैमिली लाइबिलिटीज को कंटिन्यू करते हुए, आपके पास जो भी स्पेयर टाइम बचता है उसमें आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। यह है इसकी खासियत। वैसे तो यहां पर 1 मंथ से लेकर के 24 मंथ्स तक का कोर्स है, जिसको जो ऑप्ट करना हो करे, लेकिन जो 1 मंथ का कोर्स है वह 8,000 रुपीज पर मंथ का है, कॉस्ट ज्यादा है। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो एक बार जज करना चाहते हैं। तो जज करने के लिए तो आपके पास YouTube का फ्री वीडियोस तो है ही है, आप वहां से एडुकेटर्स की क्वालिटी को जज कर सकते हो। आप केवल एक महीने की पढ़ाई से कौन सा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे और कौन सा आप एग्जामिन कर लेंगे क्वालिटी का। क्वालिटी तो जांचना है तो YouTube पर जो फ्री क्लासेस हैं आप उनसे भी उन टीचर्स की क्वालिटी को मेजर कर सकते हैं। और यूपीएससी के लिए मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा फॉर द 1 ईयर, बिकॉज यूपीएससी सिलेबस इज कॉम्प्रिहेंसिव। एक साल भी कम पड़ जाएगा, रिन्यू करा लीजिए। और अगर आपके पास बहुत टाइम है तो आप जो है कि 2 ईयर्स का भी कोर्स ऑप्ट कर सकते हैं। ये इसकी फी है 64,000 2 ईयर्स की।
और 10% डिस्काउंट के बाद बनता है ये 57,600 रुपीज। ठीक है, अगर आपके पास थोड़े से टाइम बचते हैं, अभी आपका एज भी नहीं हुआ है यूपीएससी में बैठने के लिए, ऐसे में आप 2 इयर्स का कोर्स ऑप्ट कर सकते हैं और 2 सालों तक आप व्यवस्थित रूप से पूरी तरह से अपनी तैयारी कंप्लीट करके और फिर फर्स्ट राउंड में यूपीएससी क्लियर करने का प्रयास करिए। ठीक है, बट आप इससे कनेक्ट कैसे हो गए? आप जाते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए ऐप से और गेट सब्सक्रिप्शन पर, यहां जाकर के फिर आप राजू लाइव मेरे कोड का यूज करिए, राजू लाइव, इसको भरिए और 10% का डिस्काउंट प्राप्त करिए। चाहे आपकी जो भी फीस हो, जो भी कोर्स हो, चाहे वो यूपीएससी का कोर्स हो, चाहे अदर कोई कोर्स है जो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, अनअकैडमी प्लस बोलते हैं इसको, ये पेड कोर्स है, और यहां पर जो भी कोर्स अवेलेबल है, चाहे जितने भी पैसे के हैं, अगर कोई भी आप मेरे नाम से यानी मेरे राजू लाइव कोड को यूज करते हैं 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। ये केवल सिविल सर्विसेज के लिए नहीं, सभी कोर्सेज के लिए अवेलेबल है। नाउ मैं आप आज का सेशन शुरू करता हूं, पेमेंट बैंक। बट पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक पर बातें स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। आप जानते हो पहले पिछले चैप्टर्स में हमने डिस्कस किया, इन 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म इंट्रोड्यूस इन इंडिया और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म शुरू किया। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पिछले वीडियो में आपको ये सब मिल जाएगा, आप वहां पर जाके देख सकते हैं। आप मेरे पहले वीडियो से शुरू करिए और ताकि एक डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक्स एक डेवलपमेंट है, उन सब वीडियोस को भी बारी बारी से टाइम निकाल कर देखते जाइए और रनिंग में पर डे का वीडियो देखते जाइए। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के अंदर इंडस्ट्री पॉलिसी में चेंज करा, पीएसयू पॉलिसी में चेंज करा और फाइनेंशियल सेक्टर में भी रिफॉर्म शुरू किया, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। और आप देखते हैं कि नरसिम्हन कमेटी का सेटअप किया गया था इन 1991, नरसिम्हन कमेटी। ठीक है, और इस कमेटी ने रेफर किया रिकमेंडेशन कि आरबीआई शुड प्रोवाइड लाइसेंस फॉर द न्यू बैंक, और ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हन इन 1993 आरबीआई ने कुछ बैंकों को लाइसेंस दिया, इफ डोमेस्टिक एंड फॉरेन बोथ टाइप ऑफ बैंक्स ओपन इन आवर कंट्री बाय द लाइसेंस ऑफ आरबीआई, पर 10 इयर्स लाइसेंस प्रोवाइडिंग सिस्टम है। तो 2003 में अगेन आरबीआई ने लाइसेंस दिया, फिर उसको आफ्टर 10 इयर्स यानी 2013 में देना चाहिए जैसा कि आपको दिख रहा है, बट 2014 में दो बैंकों को, दो इंस्टीट्यूशंस को प्रॉपर बैंकिंग में लाइसेंस दिया, बंधन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, बंधन ये बंगाल में वर्किंग थी और इसको प्रॉपर बैंकिंग कैटेगरीज में लाइसेंस दिया गया है, और आईडीएफसी ये भी महाराष्ट्र के साइड से नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी था और इसको बैंकिंग कैटेगरी में लाइसेंस दिया गया। ओनली टू, केवल दो बैंकों से क्या होगा, बट इन 2015 एंड 2016 में जाकर के ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ मोर कमिटी, नचिकेता मोर कमिटी के रिकमेंडेशन पर, और ये नचिकेता मोर कमिटी क्यों सेटअप किया है, फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है, वित्तीय समावेशन। ठीक है, बैंकिंग
बैंकिंग फैसिलिटी को और अदर फैसिलिटीज को सभी लोगों तक पहुंचाना इन मिनिमम कॉस्ट, ये है फाइनेंशियल इंक्लूजन। और इसी फाइनेंशियल इंक्लूजन को रियलाइजेशन के लिए, हकीकत बनाने के लिए, नचिकेत मोर कमिटी वॉज रिकमेंडेड फॉर द ओपन ऑफ टू टाइप्स ऑफ बैंक लाइक पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक। और आरबीआई ने इनको पहले लाइसेंस दिया, पेमेंट बैंक को, स्मॉल फाइनेंस बैंक को, और ये ओपन किए गए। समथिंग डिफरेंस बिटवीन बोथ और वन बाय वन आई एम डिस्कसिंग नाउ। ए पेमेंट बैंक इज लाइक एनी अदर बैंक बट ऑपरेटिंग ऑन ए स्मॉलर स्केल विदाउट इन्वॉल्विंग एनी क्रेडिट रिस्क। पेमेंट और स्मॉल बैंक जो प्रॉपर बैंक है, पीएनबी, एसबीआई, इन्हीं की तरह लगता है, बट मेजर डिफरेंस हियर, यू नो, जो जनरल बैंक्स है उसको खोलने के लिए 500 करोड़ का इक्विटी पेड अप कैपिटल की जरूरत पड़ती है, बट इस तरीके के बैंक को खोलने के लिए ओनली 100 करोड़ की जरूरत पड़ती है। जो जनरल बैंक्स है उन बैंकों में कितना भी डिपॉजिट ले सकते हो, बट पेमेंट और स्मॉल बैंक में 1 लाख रुपीज का डिपॉजिट का सिस्टम है। पेमेंट बैंक नॉट प्रोवाइडिंग लोन, नॉट प्रोवाइडिंग क्रेडिट कार्ड, ये रिस्ट्रिक्शंस है, जबकि स्मॉल फाइनेंस बैंक लोन प्रोवाइड ऑल्सो। सो टेक डिपॉजिट एंड लोन प्रोवाइड ऑल्सो स्मॉल फाइनेंस बैंक, बट पेमेंट बैंक टेक ओनली द डिपॉजिट, नॉट प्रोवाइड लोन टू द कस्टमर। तो इस तरीके से दोनों बैंकों में डिफरेंस है, मैं वन बाय वन डिस्कस कर रहा हूं इनके सारे फैक्चुअल्स को। ए पेमेंट बैंक इज लाइक एनी अदर बैंक बट ऑपरेटिंग ऑन ए स्मॉलर स्केल। व्हाट इज ए स्मॉलर स्केल? ओनली 1 लाख रुपीज ए इंडिविजुअल कैन डिपॉजिट इन द पेमेंट बैंक विदाउट इन्वॉल्विंग एनी क्रेडिट रिस्क। या क्रेडिट रिस्क क्यों नहीं है? बिकॉज नॉट प्रोवाइड द लोन, तो कोई रिस्क नहीं है। बट योर क्वेश्चन, क्या सर, व्हेन द पीपल डिपॉजिट मनी इन द पेमेंट बैंक इफ दे नॉट प्रोवाइड लोन, हाउ जनरेट इनकम ऑन दिस डिपॉजिट एंड हाउ दिस बैंक विल प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिटर्स मनी? या दिस इज द क्वेश्चन। बट दिस मनी दे इन्वेस्ट इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी, राइट? सो ये होता है कि 75% देयर मनी दे इन्वेस्ट इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी। इस तरीके से दे जनरेट इनकम एंड सिक्योर्ड इनकम जनरेट। दिस इज द रीजन देर इज नो क्रेडिट रिस्क। ठीक है, एक एक वर्ड को इकोनॉमिक्स में सीखना होता है, ये कोई माने प्रवचन नहीं है, आप सीधे सीधे पढ़ लिया और सीधे सीधे जान गया। इसीलिए इकोनॉमिक्स में टीचर की जरूरत पड़ती है फॉर द डिफाइनिंग ऑफ द टर्मिनोलॉजी। ठीक है ना, इट कैन कैरी आउट मोस्ट बैंकिंग ऑपरेशन बट कैनॉट एडवांस लोन्स और इशू क्रेडिट कार्ड्स। अभी हमने आपसे डिस्कस किया, ये लोन्स, एडवांस और लोन्स नहीं देती है। थोड़ा मन पूछ रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडवांस एंड लोन्स? एडवांस इज द शॉर्ट टर्म एंड लोन्स इज द लॉन्ग टर्म। और इशू क्रेडिट कार्ड, आप जानते हो कि क्रेडिट कार्ड मीन्स उधार होता है। व्हाट इज द क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड? आप यहां पर सीखिए। मेनी पीपल्स आर नो अबाउट, बट सम न्यू कमर्स who are starting their preparation, maybe some confusion, what is credit card and debit card? You know, in the debit card, आपके bank account में पैसे deposit होते हैं and through your bank deposit, you can purchase from the merchant. When you purchase any product, the money ट्रांसफर फ्रॉम ओवर बैंक अकाउंट टू मर्चेंट अकाउंट। इट मीन्स अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे हैं, सो यू कैन यूज दिस डेबिट कार्ड एंड ट्रांसफर मनी इन टू मर्चेंट बैंक को। बट इन क्रेडिट कार्ड, ए बैंक इशू ए क्रेडिट कार्ड टू यू ऑन द बेसिस ऑफ योर क्रेडिट वर्दी, योर इनकम लेवल
और अब आप परचेज करते हो किसी मर्चेंट से कुछ भी, सो दिस बिल पेड बाय द दिस बैंक एंड आफ्टर सम टाइम यू डिपॉजिट दिस मनी टू दिस बैंक. इफ यू फेल टू द डिपॉजिट, सो ए पर्टिकुलर ओवर ए पर्टिकुलर पीरियड कुछ समय के बाद नाउ द बैंक इम्पोज इंटरेस्ट चार्जेस अप टू ए पीरियड अप टू ए लिमिट पीरियड इट इज फ्री देयर इज नो चार्ज बट यू फेल टू डिपॉजिट ऑन दैट डेट दैट आफ्टर इट इम्पोज द चार्जेस इंटरेस्ट चार्जेस. ये होता है क्रेडिट कार्ड मीन्स बैंक आपको लोन देती है. बट डेबिट कार्ड इफ यू हैव मनी इन योर अकाउंट देन यू कैन परचेज. आगे इट कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज डिमांड डिपॉजिट्स. डिमांड डिपॉजिट्स आप जानते हो सेविंग अकाउंट्स में आप जो पैसे जमा करते हो सेविंग अकाउंट्स और द करंट अकाउंट्स राइट. इसमें जो भी आप पैसे जमा करते हो एनी टाइम यू कैन विथड्रॉ एनी कैम ऑर्डर टू पेमेंट. सो कभी भी डिमांड कर सकते हो. दिस इज द रीजन दिस इज कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट्स. सो सेविंग अकाउंट्स एंड करंट अकाउंट डिपॉजिट्स आर कंसिडर डिमांड डिपॉजिट्स. इट कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट ऑफर रेमिटेंस सर्विसेस. व्हाट इज रेमिटेंस सर्विसेस. सपोज कि फॉरेन में आपका कोई NRI है आपका कोई ब्रदर फादर इफ दे वांट टू सेंड मनी वो रेमिटेंस कर सकता है. मोबाइल पेमेंट्स आप मोबाइल से किसी को पे कर सकना चाहो ट्रांसफर कर सकते हो फ्रॉम वन अकाउंट टू अदर. यू वांट टू परचेज तो भी कर सकते हो परचेज एंड अदर बैंकिंग सर्विसेज लाइक ATM डेबिट कार्ड्स नेट बैंकिंग एंड थर्ड पार्टी फंड ट्रांसफर. यहां परचेज में आप कंफ्यूजन ना होना कि बैंक आपको लोन नहीं दे रही है. ये बाय द योर मनी यू ट्राइंग टू परचेज एंड दैट द मनी पेड बाय हियर. ये होता है ATM डेबिट कार्ड्स नेट बैंकिंग एंड थर्ड पार्टी फंड ट्रांसफर. ये सब हो सकता है. ये थर्ड पार्टी फंड ट्रांसफर नहीं समझ में आया सर. थर्ड पार्टी फंड ट्रांसफर क्या होता है. सपोज हमने कोई इंश्योरेंस लिया और उसको मेरे को प्रीमियम पे करना है. तो मैं हुआ ए दिस इज द बैंक्स सेकंड पार्टी एंड दिस इज द इंश्योरेंस कंपनी इज द थर्ड पार्टी. माय मनी डिपॉजिटेड इन द पेमेंट बैंक दिस पेमेंट बैंक एंड दिस मनी ट्रांसफर टू द इंश्योरेंस पार्टी. तो ये थर्ड पार्टी हुआ ठीक है. इन सितंबर 2013 द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड कमिटी हेडेड बाय डॉक्टर नचिकेत मोर टू स्टडी कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल सर्विसेस व्यापक वित्तीय सेवाएं फॉर स्मॉल बिजनेस एंड इनकम लो इनकम हाउसहोल्ड्स. जो छोटे छोटे इनकम करने वाले लोग हैं इनको लोगों को जैसे आप सोचो एक इसके नीड क्या है रियल नीड क्या आप समझिए. सपोज दिस इज द रूरल एरिया. यहां से बहुत सारे लोग अर्बन में आए हैं सिटी में. आर दे वर्किंग. जो पैसे कमाते हैं दे वॉन्ट टू सेंड द फैमिली इन द विलेज और इस बात के लिए वह बैंक में जाते हैं SBI PNB और तमाम. देयर मोर ए ह्यूज क्राउड देयर. सो बैंक विल ट्रांसफर द मनी और द परफॉर्म द बैंकिंग जॉब इज द पीपल आर कमिंग इन द ब्रांच. अब बैंक अपना प्रॉपर बैंकिंग सर्विस करेगी बैठ के दिन भर पैसे ट्रांसफर करेगी. इफ द बैंक नॉट प्रोवाइड दिस टाइप ऑफ फैसिलिटी एंड सर्विसेज सो दिस पीपल विल सफर टू सेंड द मनी टू देयर होम देयर फैमिली. तो इस तरीके के अल्टरनेटिव व्यवस्था करके भी हम ये पैसे भेजने का काम कर सकते हैं और इन बैंक को फ्री कर सकते हैं. दे कैन परफॉर्म द बैंकिंग जॉब जो अदर उनके डिपॉजिट लोनिंग एंड अदर काम है वो सब वो कर सकते हैं. ये वाला पर्पज था ठीक है. नाउ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कमिटी वॉज टू प्रपोज मेजर ऑफ अचीविंग फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड इंक्रीज एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज. फाइनेंशियल इंक्लूजन रूरल एरिया पीपल और इस तरीके से लोअर इनकम ग्रुप इन सबको जो है बैंकिंग फैसिलिटी अवेल कराना ये इसका पर्पज है. द कमिटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट
to RBI in January 2014, one of the key suggestions of the committee was to introduce a specialized bank or payment bank to cater to the lower income groups, theek hai, and small business, so that by January 1st 2016 each Indian resident can have a global bank account. तो ये टारगेट दिया गया कि लोअर इनकम पीपल्स को कवर करने के लिए इसको यूज किया जाए. व्हाई पेमेंट्स बैंक? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पेमेंट्स बैंक इज वाइडन द स्प्रेड ऑफ पेमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज टू स्मॉल बिजनेस, लो इनकम हाउसहोल्ड, माइग्रेंट लेबर वर्कफोर्स इन सिक्योर टेक्नोलॉजी ड्रिवन एनवायरमेंट. ठीक है. विच पेमेंट्स बैंक? RBI seeks to increase the penetration level of financial services to the remote areas of the country. आप जानते हैं public sector bank, इसके जो branches हैं वह बहुत ज्यादा खुले हुए हैं rural sectors में, but इसका penetration level बहुत ज्यादा नहीं है because their costing is very high. और हम चाहते हैं कि financial inclusion के अंदर हर गांव के करीब करीब हम ये बैंकिंग फैसिलिटी दें ताकि पीपल्स अपने मनी डिपॉजिट विड्रॉ जो कुछ भी सर्विस लेना है वो कर सके. तो इसमें हम पीएसबी के ब्रांचेस नहीं बढ़ा सकते, इससे वेरी ह्यूज एक्सपेंडिचर इनकर्ड हो जाएगा. दिस वाज द प्रॉब्लम. सो इसलिए हम एक छोटे पैमाने पर इस तरीके की फैसिलिटी अवेल कराना चाहते हैं और फाइनेंशियल इंक्लूजन अवेल कराना चाहते हैं. कैन नॉट गिव लोन्स, कैन इश्यू ए टी एम डेबिट कार्ड बट नो क्रेडिट कार्ड्स, अभी आपको डिस्कस किया शुरू में. दे कैनॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम एनआरआई की डिपॉजिट नहीं ले सकते. दे कांट सेटअप सब्सिडरीज ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल पर्पजेज, यानी ये जो पेमेंट बैंक होगा ये अपने नीचे कोई एनबीएफसी नहीं बना सकता, ठीक है, बिकॉज ये तो खुद में भी एक तरह से एनबीएफसी ही समझ लो आप, मतलब बैंक के कैटेगरी में रखा गया, स्मॉल बैंक रखा गया. ये अपने नीचे एनबीएफसी नहीं बना सकता कि एनबीएफसी विल बी प्रोवाइड लोन, नहीं. दिस पेमेंट बैंक डील विद द पब्लिक डायरेक्टली, डील विद द पब्लिक डायरेक्टली, ये इसका पर्पज है. आप एनबीएफसी सेटअप नहीं कर सकते. दे कैनॉट ऑफर फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल सर्विस ऑफ प्रमोटर्स, कोई अदर टाइप की सर्विसेस को ये प्रमोट नहीं कर सकते, फाइनेंस नॉन फाइनेंस. एलिजिबल प्रमोटर्स हु कैन ओपन, किसको खोलने का राइट है? इंडिविजुअल्स, कोई व्यक्ति या प्रोफेशनल्स विथ नेसेसरी एक्सपीरियंस एंड एलिजिबिलिटी, एग्जिस्टिंग एनबीएफसी, कोई एनबीएफसी इसको खोल सकती है. कॉरपोरेट बैंकिंग, कॉरेस्पॉन्डेंट्स, मोबाइल कंपनीज, सुपरमार्केट चेन्स, रियल एस्टेट कोऑपरेटिव्स एंड कॉर्पोरेट इंटाइटीज, इन सब को खोलने का परमिशन है. कितना पेड अप कैपिटल? पेड अप कैपिटल मींस व्हाट? इनिशियल इक्विटी कैपिटल, आप सिंपल समझते हो शेयर, ठीक है, शेयर जो इनिशियली जो जमा किया गया है उसको इक्विटी बोलते हैं. शेयर मार्केट के चैप्टर में विस्तार से मैं दिखाऊंगा कि व्हाट इज शेयर एंड पार्ट ऑफ शेयर, और पार्ट ऑफ शेयर में प्रेफरेंशियल शेयर, इक्विटी शेयर, बहुत सारी चीजें दिखाऊंगा आपको. तो यहां पर आप पेड अप इक्विटी कैपिटल ऑफ 100 करोड़, इनिशियली 40% शेयर ऑफ द प्रमोटर, 60% कैन टेक द अदर्स, बट जो इनिशिएटर होता है, जो इस कंपनी को शुरू करता है, उसका 40% पैसा जरूर होना चाहिए. ठीक है, बट दिस मनी कैन रिड्यूस इन फ्यूचर अप टू 26%, बट इन 12 years, 12 सालों में ग्रेजुअली कैन रिड्यूस अप टू 26%. करंटली रनिंग पेमेंट बैंक्स, अभी आपको नंबर्स क्या दिखाई दे रहा है? 6, बट आप जानो कि 41 इंस्टीट्यूशंस, 41 ने अप्लाई किया था, और फाइनली आरबीआई सेलेक्टेड द 11th को
प्रोविजनल लाइसेंस दिया, यू कैन ओपन इन नेक्स्ट 18 मंथ्स योर बिजनेस, ठीक है। बट 11 में से केवल 6 एट प्रेजेंट टाइम रनिंग, ये है इसका सिचुएशन। तो ये नाम आप याद रखेंगे, ये 6 है और इसमें से एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट दिखा रहा है, आप देखिए। तो विच वन इज द फर्स्ट, एयरटेल पेमेंट्स बैंक वॉज द फर्स्ट। एक इंडिया पोस्ट है, आप देखो कि भारत में इंडियन पोस्ट था जो लोगों से डिपॉजिट लेता था, इसका ब्रांच पूरे विलेज विलेज तक है, बिकॉज 1.50 से अबव लैक से अबव पोस्ट ऑफिस ब्रांचेस इन द कंट्री, 1.5 लाख से ज्यादा है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में बहुत पहले आ चुका है। हमने क्या किया, पोस्ट ऑफिस को पेमेंट बैंक के रूप में कन्वर्ट कर दिया, और आज के डेट में जो पोस्ट ऑफिस है, पेमेंट बैंक है, ये बहुत सारे काम करती है। मनरेगा, मगनरेगा के एम्प्लॉयज को पेमेंट देना, वेज डिस्ट्रीब्यूट करना और सारा डेटा कलेक्ट करना, ये बहुत सारा काम करती है। गंगा जल पहुंचाना, सीड्स, न्यू सीड्स, हाई वैरायटी अपग्रेडेड सीड्स डिस्ट्रीब्यूट करना, बहुत सारा काम है इसके जिम्मे आ गया। और एक टर्म और सीखिए आप, फिनोटेक। व्हाट इज फिनोटेक? फिन मतलब फाइनेंशियल और टेक मींस टेक्नोलॉजी, यानी बैंकिंग में जब टेक्नोलॉजी का यूज करके हम काम करते हैं, दिस इज कॉल्ड फिनोटेक। एंड पेमेंट्स बैंक ये सब क्या है, एक तरह से फिनोटेक है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, मैंने बैंकिंग फैसिलिटी को मोबाइल टेक्नोलॉजी के थ्रू हम सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, दिस इज कॉल्ड फिनोटेक। स्मॉल फाइनेंस बैंक, दे आर नीच बैंक दैट फोकस। व्हाट इज नीच बैंक, या नीच का मतलब क्या है, NICH, दैट फोकस एंड सर्व द नीड्स ऑफ सर्टेन डेमोग्राफिक सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। क्या है, सर्टेन डेमोग्राफिक ऑफ द डेमोग्राफिक सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन, ये जनसंख्या के एक हिस्से को जिनको लोन की जरूरत है उसको पर्टिकुलर फोकस करता है। जैसे स्मॉल इंटाइटीज, छोटे छोटे बिजनेस, माइक्रो यूनिट्स चलाने वाले लोगों को ये फोकस करता है, स्मॉल फार्मर्स को ठीक है, माइक्रो यूनिट्स चलाने, इन सब को लोन देता है, इसी को कहते हैं नीश बैंक। नेक्स्ट, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेटिंग अप ए स्मॉल फाइनेंस बैंक्स will be to further financial inclusion by the provision of savings vehicles, the provision of saving vehicles, इसमें लोग अपने डिपॉजिट भी रख सकते हैं, सप्लाई ऑफ क्रेडिट टू स्मॉल बिजनेस यूनिट्स, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, ठीक है। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स किसको बोलते हैं, तो आप जानो कि सबसे छोटा कौन, विच वन इज द स्मॉलेस्ट, स्मॉल और मार्जिनल, मार्जिनल इज द स्मॉलेस्ट, मीन्स किसको कहते हैं मार्जिनल फार्मर्स, 1 हेक्टेयर बिलो लैंड होल्डिंग फार्मर्स इज कंसिडर मार्जिनल, 2 हेक्टेयर्स बिलो इज कॉल्ड स्मॉल फार्मर्स, 1 हेक्टेयर बिलो लैंड होल्डिंग फार्मर्स आर मार्जिनल फार्मर्स, राइट। माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड अदर अनऑर्गेनाइज सेक्टर इंटाइटीज थ्रू हाई टेक्नोलॉजी लो कॉस्ट ऑपरेशन, यर द क्वेश्चन इज व्हाट इज अनऑर्गेनाइज सेक्टर, सो यू नो दिस इज द ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। ट्वेंटी एंड अबव इंप्लॉयज को यूज करने वाली कंपनी, इससे ऊपर 20 से अबव इंप्लॉयज जहां पर काम करते हैं
उसको हम ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कहते हैं, संगठित, और जहां 20 से बिलो इंप्लॉयज आर वर्किंग दैट एंटिटीज आर कॉल्ड अनऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, अब चलिए SFBs, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, वॉज रिकमेंडेड बाई द नचिकेत मोर कमिटी ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन। पहले ही मैं डिस्कस किया, नचिकेत मोर के रिकमेंडेशन पर ही ये दोनों इंटिटीज को लाया गया है, पेमेंट एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्कोप ऑफ एक्टिविटीज ऑफ SFBs, द स्मॉल फाइनेंस बैंक सेल प्राइमरली अंडरटेक बेसिक बैंकिंग एक्टिविटीज ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड लेंडिंग टू अनसर्व्ड एंड अनडिजर्व्ड, अनसर्व्ड एंड अनडिजर्व्ड, और यहां क्या लिखा है, डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग, और उसमें क्या था, लेंडिंग नहीं था, तो इसमें लेंडिंग भी। अनसर्व एंड अनडिजर्व सेक्शन मतलब जहां पर बैंकिंग फैसिलिटी पहले से नहीं है, और जिन लोगों को पहले से बैंक लोन नहीं दे रही थी, ऐसे सेक्शंस को कवर करने की ड्यूटी दी गई है SFBs को, इंक्लूडिंग स्मॉल बिजनेस यूनिट्स, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज। अब सवाल उठता है, किसको बोलते हैं माइक्रो, किसको बोलते हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज। सो यू नो द न्यू डेफिनेशन ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज के बारे में जानिए। पहले इन एंटिटीज में इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर इनका क्लासिफिकेशन होता था, इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर, हाउ मच कैपिटल इन्वेस्ट इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द यूनिट। बट अभी नहीं, इन 2018 से नाउ द क्राइटेरिया इज द टर्नओवर। हाउ क्लासिफाइड द माइक्रो एंड स्मॉल मिडिल ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, किसको बोलेंगे माइक्रो, माइक्रो 5 करोड़ बिलो टर्नओवर। व्हाट इज टर्नओवर इन ए फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच, हाउ मच सेल द प्रोडक्ट, हाउ मच जनरेट द रेवेन्यू। ठीक है, इसको बोलते हैं टर्नओवर। दिस इज नॉट ए प्रॉफिट, ये प्रॉफिट से बिल्कुल अलग है। नाउ स्मॉल 75 करोड़ बिलो रेवेन्यू वाली कंपनी को बोलते हैं स्मॉल, और मिडिल किसको बोलते हैं 250 करोड़ रेवेन्यू से बिलो वाले को बोलते हैं। तो आप ये सब देखें, पीछे हमने अभी आपको दिखाया अनऑर्गेनाइज 20 से बिलो एम्प्लॉयज वाली कंपनीज को, इसको बोलते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर। एक एक शब्द को आपको क्लियर करना होगा, इकोनॉमिक्स अपने आप आ जाती है, बस टर्म हमें पता होना चाहिए, जो भी टर्म यूज हो रहा है उस टर्म का रियल मीनिंग जानना है। There will not be any restriction. There will be not be any restriction in the area of operation of small finance banks. Now, criteria for setting up SFB, individual professionals with 10 years of experience in finance. आपने 10 सालों तक banking finance में काम किया है, you have a experience of 10 years, now you can open. Non-banking financial companies, NBFCs भी खोल सकते हैं, माइक्रो फाइनेंस कंपनी। आप देखो कि माइक्रो फाइनेंस क्या है, बताया पीछे आपको, पिछले वीडियोस में जाके आप देख सकते हैं, वैसे तो मैं रिवीजन करते जाता हूं, लेकिन अगर आप पुराने वीडियोस को देखेंगे वहां पर डिटेल से दिया होता है, यहां पर हमें बातें थोड़ी जल्दी बतानी पड़ती है, लेकिन जहां पर टॉपिक होता है वहां पर डिटेल से बात बोलते हैं। माइक्रो फाइनेंस सूक्ष्म वित्त क्या होता है, पहले क्या होता था, बिफोर 91 इन आवर कंट्री बैंक किसी इंडिविजुअल को, फैमिली को लोन देती थी, यू स्टार्ट योर सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस। बट 91 के बाद से ज्यादातर क्या है, पीपल्स एस्टैब्लिश ए ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, और ये पैसे डिपॉजिट करते हैं, यहां से भी लोन दिए जाते हैं जिसको नीड हो, और साथ में बैंक इनको लोन देती है जो कोई बिजनेस शुरू करना चाहे, तो एनजीओ के थ्रू ये दिए जाते हैं, विदाउट एनी सिक्योरिटी गारंटी दे प्रोवाइड द लोन फॉर द ओन बिजनेस स्टार्टिंग। ठीक है, स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो ये इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं जो माइक्रो फाइनेंस करते हैं। लोकल एरिया बैंक, व्हाट इज लोकल एरिया बैंक, सपोज दिस इज द 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स, अब यहां पर कोई बैंक इस्टैब्लिश कर दो, ठीक है,
the focus on here, only in these three districts. This is called local area banks. तो इन सब को जो है SFB खोलने की परमिशन दी गई है. द मिनिमम पेड अप इक्विटी मीन्स स्टार्टिंग शेयर प्राइस इक्विटी कैपिटल फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक सेल 100 करोड़, और जनरल बैंक के लिए कितना 500 करोड़, और इसके लिए कितना 100 करोड़. सेम थिंग. द प्रमोटर्स मिनिमम शेयर ऑफ इक्विटी इज द 40%, राइट, बट इट कैन रिड्यूस इन द नेक्स्ट 12 years अप टू 26%. ग्रेजुअली कैन डिक्रीज अप टू 26% इन नेक्स्ट 12 years, बट स्टार्टिंग में 40% शेयर होना चाहिए. जो इनिशिएटर है, प्रमोटर है, जो स्टार्ट करता है उसका. द फॉरेन शेयर होल्डिंग इन द स्मॉल फाइनेंस बैंक वुड बी एज पर द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम. जैसा कि हमारे कंट्री के FDI गाइडलाइंस में होगा, उसके हिसाब से इनको इनमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की परमिशन दी जाएगी. द स्मॉल फाइनेंस बैंक्स विल बी रिक्वायर्ड टू एक्सटेंड 75% ऑफ इट्स एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट टू द सेक्टर एलिजिबल फॉर द क्लासिफिकेशन एज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग फॉर बाय द रिजर्व बैंक. आप इसका मतलब समझिए. यू नो PSL, फर्स्ट ऑफ पहले तो आपको सीखना होगा कि व्हाट इज द PSL, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग. सपोज कि कोई बैंक है और आपको 100 रुपीज लोन देना है, ठीक है, ले जाकर के किसी 2-3 इन बिग इंडस्ट्रीज को दे दिया. बट यू पीपल, सपोज यू आर स्टार्टिंग योर स्मॉल बिजनेस और बैंक तो सारे पैसे इनको दे दिए, आपको कैसे देगी? तो आप तो कोई नया बिजनेस शुरू नहीं कर सकते हो. यू कैनॉट बिकम ए एंटरप्रेनर. बैंक एग्रीकल्चर में कोई लोन नहीं दिया, हाउ फार्मर्स विल डू देयर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज? ये सब चैलेंज हो जाएगा. दिस इज द रीजन RBI ने एक गाइडलाइन बनाई है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग. मींस ये है बैंक, और बैंक को दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं. एक को बोलते हैं डोमेस्टिक बैंक, दूसरे को बोलते हैं हम फॉरेन बैंक. डोमेस्टिक बैंक देयर टोटल लोन्स 40% विल प्रोवाइड इन द PSL प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग. मतलब क्या? सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्टर में दिस 40% ऑफ देयर टोटल लोन्स मस्ट अश्योर PSL प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, राइट. अब देखिए, बट यहां पर भी डिवाइड किया हुआ है, 18% इन द एग्रीकल्चर सेक्टर और 10% फॉर द वीकर सेक्शन, ठीक है. और 18 में भी जाकर के केवल पता चला कि बिग फार्मर्स ने लोन ले लिया. हम तो मार्जिनल स्मॉल को भी केयर करना चाहते हैं. सो 8%, दिस इज द सब कंडीशन, 8% फॉर द मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स के लिए रिजर्व किया गया है, ठीक है. ए ना, फिर आपका क्वेश्चन क्या है? सर आपने तो बोला 40%, बट हियर यू राइट ओनली द 10 and 18, दिस इज टोटल ओनली 28, तो 12% कहां गए? बट नो, ट्वेल्व परसेंट कहां गए? इसका मतलब क्या है? दिस इज द मिनिमम अमाउंट विच यू मस्ट सिक्योर. बैंक शुड मस्ट सिक्योर 18% एंड 10% यू मस्ट सिक्योर फॉर द वीकर सेक्शन, ठीक है. ये इसका कंडीशन है. और इस पूरे 40 में से 8% यू मस्ट सिक्योर मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स. नाउ दिस इज द फॉरेन बैंक. फॉरेन बैंक के लिए 32% अर्लियर, बट समथिंग चेंज ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ PG नायक. क्या? इफ द फॉरेन बैंक होल्ड द 20 ब्रांचेज इन इंडिया, 20 एंड अबव, सो दिस बैंक विल प्रोवाइड 40% ऑफ देयर टोटल लोन्स. इफ द बिलो 20 ब्रांच देन 32%. नाउ द क्वेश्चन इज वेयर प्रोवाइड फॉर एन फॉरेन बैंक लोन इन द स्मॉल इंडस्ट्रीज को देती है लोन. तो ये रहा आपका, पहला तो हमने क्लियर किया प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग,
और दूसरा क्या है एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, जो बैंक लोन देती है उसी को एडजस्ट करके कि फाइनल अमाउंट कितना है उसी को बोलते हैं एडजस्टेड नेट बैंकिंग, नेट बैंक क्रेडिट, क्रेडिट मतलब लोन देगा, ठीक है। एसएफबी है टू मिनिमम कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर एंड स्टैच्यूटरी स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एज पर आरबीआई नॉर्म्स, यानी जिस तरह से जनरल बैंक ये बैंक है और बैंक में जो भी मनी डिपॉजिट हुआ दिस इज कॉल्ड एनडी प्लस टीएल, सपोज दिस एनडी टीएल इज 100 करोड़, सो बैंक इन द आरबीआई द कैश मनी 4% ऑफ एनडी टीएल यानी 4 करोड़ रुपीज डिपॉजिट करती है, और बैंक इन द फॉर्म ऑफ एसएलआर ये किसके पास रखती है, अपने पास ही बैंक रखती है एसएलआर को, मैं यहां पर लिखा आप समझिए यहां पर लिखा है एसएलआर, दिस इज द लिक्विड असेट्स, व्हाट इज अंडर दिस लिक्विड एसेट द थ्री थिंग्स, नंबर वन वन इज द कैश, कैश रख सकती है, गोल्ड रख सकती है एंड जी सेक मीन्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी, एट प्रेजेंट टाइम व्हाट इज द परसेंटेज 18.5% ऑफ एनडीटीएल, तो इतना रखना जरूरी होगा और 4% इधर, तो ये रहा आपका एक कंडीशन, एसएफबी पर भी लागू होता है सीआरआर एंड एसएलआर, सीआरआर वेयर डिपॉजिट इन द बैंक इन द आरबीआई एंड एसएलआर वेयर डिपॉजिट बैंक कीप इटसेल्फ 18.5% ऑफ देयर एनडीटीएल, ये होता है, ठीक है। एटलीस्ट 50% ऑफ इट्स लोन पोर्टफोलियो शुड कंस्टिट्यूट लोन्स एंड एडवांस अप टू ₹25 लाख, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखो इसका मतलब क्या है, जो एसएफबीज जो भी पैसे लोन देते हैं उसका टोटल अमाउंट का 50% बिलो 25 लाख होना चाहिए, बिलो 25 लाख, इसका मतलब है कि छोटे लोन्स जरूर दो, ऐसा ना हो कि बिग अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट टू द फ्यू पीपल, इसीलिए इसमें कंडीशन लगाया है एसएफबी द टोटल लोन्स 50% अमाउंट शुड प्रोवाइड बिलो 25 लाख लोन। स्मॉल फाइनेंस बैंक कैन डू क्या क्या कर सकते हैं, सेल फॉरेक्स टू कस्टमर, फॉरेन करेंसी सेल कर सकते हैं, सेल म्यूचुअल फंड्स इंश्योरेंस एंड पेंशन, ये सब भी सर्विस दे सकते हैं, कैन कन्वर्ट इन टू फुल फ्लेज बैंक, इन फ्यूचर दिस कैन कन्वर्ट इन फुल फ्लेज बैंक, अभी तो ये स्मॉल बैंक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक कैनॉट डू एक्सटेंड लार्ज लोन्स, ठीक है, बड़े लोन नहीं दे सकते, बड़ी बड़ी लोन नहीं दे सकते, कंपनी नहीं खुलवाना इनको, बड़ी बड़ी कंपनियां, कैनॉट फ्लोट सब्सिडरीज एंड डील इन सब्सटिट्यूटेड प्रोडक्ट्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जैसे आपने पेमेंट बैंक में देखा कि एसएफबी अपने सब्सिडरी नहीं खोल सकते, ठीक है, ये यूनिट खोल दिया ये कुछ और कर रही है, एक और यूनिट खोल दिया कुछ और है, ये पैरेंटल बैंक है और ये सब्सिडरी है, तो ये सिस्टम इनके लिए परमिशन नहीं है। नाउ डिजिटल पेमेंट, डिजिटल पेमेंट मींस कैशलेस पेमेंट इज अ वे ऑफ पेमेंट व्हिच इज मेड थ्रू डिजिटल मोड्स, इन डिजिटल पेमेंट्स पेयर एंड पे बोथ यूज डिजिटल मोड्स टू सेंड एंड रिसीव मनी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में फंड ट्रांसफर मोबाइल टू मोबाइल इंटरनेट के थ्रू, ठीक है, और तमाम वॉलेट्स के थ्रू, यही है डिजिटल पेमेंट। इससे फिजिकल करेंसी मूवमेंट खत्म हो जाता है, कॉस्टिंग कम हो जाती है और ये सारी बातें हैं। नाउ नो हार्ड कैश इज इन्वॉल्व इन डिजिटल पेमेंट्स, ऑल द ट्रांजेक्शन इन डिजिटल पेमेंट्स आर कंप्लीटेड ऑनलाइन, इट इज एन इंस्टेंट एंड कन्वीनियंट वे टू मेक पेमेंट्स, ये बहुत ईजी होता है। द प्रोसेस इज ऑटोमेटिक एंड नाइदर यू नॉर द शॉपकीपर इज रिक्वायर्ड टू विजिट द बैंक, मुझे आपको पैसे देने हैं मर्चेंट को, हमने कोई प्रोडक्ट परचेस किया तो ना ही हमें बैंक में जाके पैसे निकाल के लाने हैं, ना कैरी करने हैं, और ना ही उस मर्चेंट को हमसे पैसे लेकर फिर अपने बैंक में डिपॉजिट करने जाने हैं, नहीं, सीधे मेरे बैंक अकाउंट से उसके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं।
इट सेव्स यू फ्रॉम लॉन्ग क्यूज ऑफ एटीएम्स एंड द बैंक. बैंक में और एटीएम पे जाके बार बार लाइन लगाने की जरूरत नहीं है. नाउ नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से याद करिएगा. और देखिए, एनपीसीआई हैज बीन सेटअप एज एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन. व्हाट इज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन? इसका लिटरल मीनिंग समझ लीजिए. अम्ब्रेला मीन्स छाता, और उस छाते के नीचे बहुत सारे उसमें कमानी होते हैं. उसी तरीके से एनपीसीआई के अंदर बहुत सारे पेमेंट सिस्टम को डेवलप किया गया है. जैसे आप देखिए, नेशनल फाइनेंस स्विच, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, भारत क्यूआर है, इस तरीके से अभी आगे हम डिस्कस कर रहे हैं. ये बहुत सारे पेमेंट मोड डेवलप किया गया है, और इन सब के ऊपर बैठा हुआ ये, इसीलिए इसको अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं. दिस वॉज सेटअप इन 2008 बाय द ऑथराइज बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर द पीएसएस एक्ट 2007 टू ऑपरेट द फॉलोइंग पेमेंट सिस्टम, नेशनल फाइनेंस स्विच. ठीक है, एक क्या होता है नेशनल फाइनेंस स्विच आप जानो. ठीक, इसी के आगे ये 2004 में स्टार्ट हुआ है. ठीक है, ये डिजाइन डेवलप्ड एंड डिप्लॉयड बाय लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ शेयर्ड एटीएम के लिए लाया गया इसको. दिस इज ए लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ शेयर्ड एटीएम्स. ये जो एटीएम्स खुले हुए हैं इनमें नेटवर्क डेवलप करने के लिए, और एटीएम इसी से संचालित होता है. किसने इसको डेवलप किया? डिजाइन डेवलपमेंट डिप्लॉयड. ये किसने डेवलप किया? द इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी. इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा डेवलप किया गया है. बट इट रन बाई एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. तो यह है एटीएम्स के बीच नेटवर्क डेवलप करने के लिए लाया गया है, और इस इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको डिजाइन और डेवलप और डिप्लॉयड किया गया है, और एट प्रेजेंट टाइम रन बाय द एनपीसीआई. नाउ इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, आईएमपीएस क्या होता है? इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय 22 नवंबर 2010. इट्स ऑल्सो रन बाय एनपीसीआई. ये होता क्या है? इंस्टेंट पेमेंट इंटर बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम है. इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम इन इंडिया. ठीक है, ये 24/7/365. देर इज नो होलीडे. बैंक होलीडे को भी ये ओपन रहता है. ठीक है, और थ्रू द मोबाइल फोन का यूज करके भी आप इसको सेंड कर सकते हैं मनी को. आज के डेट में ये पीएसबी, आरआरबी, पब्लिक सेक्टर बैंक, रीजनल रूरल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक, ये सभी यूज कर रहे हैं इसको. इसमें केवल दो चीजों की जरूरत पड़ती है, बैंक अकाउंट नंबर एंड सेकेंड आईएफएससी. ठीक है, ये
कोड है, आईएफएससी कोड की जरूरत पड़ती है। आईएफएससी कोड व्हाट शो? इट शो द डेजिग्नेशन ऑफ बैंक ब्रांच, उस ब्रांच का इंट्रोडक्शन होता है, 11 डिजिट का होता है, जिसमें कि 4 अल्फाबेट होते हैं, बिग अल्फाबेट होता है और 7 नंबर्स डिजिट होता है फॉर मनी बेनिफिट्स। नाउ एप्लीकेशन ऑफ रुपे कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, प्रीपेड कार्ड्स इशूड बाय बैंक्स एंड को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड इशूड बाय नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और एनी अदर एंटिटी अप्रूव्ड बाय द आरबीआई, ये सब इसके अंदर आते हैं। एनपीसीएल के अंदर, एनपीसीआई के अंदर, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस है, ठीक है, नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस है। ये बैंकों के आपस में ट्रांजेक्शन्स को जैसे चेक होता है पेमेंट के लिए, वो क्लियरिंग हाउस का काम करता है और सभी के अकाउंट जो है आरबीआई के साथ खुले होते हैं। आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, आधार का यूज करके फंड ट्रांसफर किया जाता है। ये लाने के पीछे पर्पस था, इंडिया में बहुत सारे इलिटरेट पीपल हैं और इस इलिटरेट पीपल्स कैसे डिजिटल मोड में फंड ट्रांसफर कर सके, इसीलिए इस सिस्टम को लॉन्च किया गया था। अभी मैं डिटेल कर रहा हूँ एक एक करके। ऑपरेशन ऑफ चेक ट्रंकेशन सिस्टम, ये क्या है चेक ट्रंकेशन सिस्टम? दिस इज द फोटोकॉपी ऑफ द चेक, राइट। अभी तक क्या होता था, पीछे पहले क्या होता था, बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेशन चेक ट्रंकेशन सिस्टम, आपने चेक डिपॉजिट किया बैंक में और बैंक इसको जहां पर जिस बैंक में इसको क्लियर होना है वहां पर इसको भेजा जाता था, तो लॉजिस्टिक प्रॉब्लम था क्योंकि फिजिकल इस शेयर को भेजा जाता था, इट्स टेक मोर टाइम, समय लेता था, कॉस्टली होता था। बट अब क्या होता है, ये चेक जो है उसको उसकी फोटोकॉपी इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेजा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मोड में। इससे फायदा क्या है, कॉस्ट कटिंग, ठीक है, और थ्रेट नहीं है, थ्रेट नहीं हो सकता इसमें, मिसयूज नहीं हो सकता, ये सब इसके फायदे हैं। और फास्ट ट्रांजेक्शन होता है, फास्ट क्लियरेंस होता है, ये इसके फायदे हैं चेक ट्रांजेक्शन, ठीक है। नाउ इन टर्म्स ऑफ द वेरियस प्रोविजन ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, आरबीआई इज इम्पावर्ड टू रेगुलेट एंड ओवरसीज ऑल पेमेंट सिस्टम। द ऑथराइज पेमेंट सिस्टम ऑपरेशन इंक्लूडिंग एनपीसीआई आर रिक्वायर्ड टू फॉलो द ऑपरेशनल एंड टेक्निकल स्टैंडर्ड्स लेड आउट by RBI for the functioning of these systems, follow the direction issued and submit the information return prescribed, ठीक है। रुपे कार्ड, आप देखो रुपे कार्ड क्या है, आपको पता है कि पीछे वीजा होता था, आज भी है, मास्टर कार्ड है, माइस्ट्रो, ठीक है, ये सब फॉरेन पेमेंट गेटवे, फॉरेन पेमेंट गेटवे सिस्टम है, ठीक है, विदेशी कंपनी है। और ये क्या सर्विस प्रोवाइड करती थी, सपोज कि मिस्टर ए इनका जो है पीएनबी में अकाउंट है और इस मर्चेंट से परचेज कर रहे हैं और इसका बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है। व्हेन द परचेज दिस ए पे द मनी टू द मर्चेंट, बट डिफरेंट बैंक है, इन बैंक के बीच ट्रांजेक्शन को पॉसिबल बनाने का काम ये पेमेंट गेटवे करती है। यहां से जब आप स्वैप करते हो, ये ऑथेंटिकेट करती है उतने पैसे हैं या नहीं है, फिर वेरीफाई करती है और इस पैसे को अपने पास लेकर फिर इनको इसमें ट्रांसफर करती है। सो दो बैंकों के बीच का ट्रांजेक्शन ये संभालने का काम करती थी, बट वी आर टोटल डिपेंड ऑन द फॉरेन पेमेंट गेटवे सिस्टम और ये हमारा सारा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अपने कंट्री के सर्वर पर रखती थी, इन फॉरेन कंट्री सर्वर। दिस इज द चैलेंज ऑफ आवर सिस्टम, एक समस्या था, ठीक है। लेकिन अब हमने डेवलप किया है रुपे कार्ड, दिस इज द इंडियन वर्जन ऑफ पेमेंट गेटवे सिस्टम। रू मतलब रुपी एंड पे मतलब पेमेंट, ये दोनों टर्मिनोलॉजी से बना हुआ है
रुपे कार्ड, दिस इज द इंडियन वर्जन, इंडियन पेमेंट गेटवे सिस्टम, यही काम अब हमारी रुपे कार्ड करती है। ठीक है ना, ये बातें सारी इसमें लिखी हुई हैं। हम इन वर्ल्ड में 6th कंट्री हैं जिसने अपना पेमेंट गेटवे सिस्टम डेवलप किया है। ये भारत QR कोड, अभी तक क्या करते थे कि कहीं पर भी POS मशीन है, पॉइंट ऑफ सेल ठीक है, या ATM है, आप इसको मिनी ATM बोल सकते हो, मिनी ATM, आप अपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड को स्वैप करते हो, उसमें डालते हो आप। लेकिन भारत QR कोड में केवल आपको कोड की जरूरत पड़ती है, इसमें कार्ड को स्वैप करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, और देखिए इसमें ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है, या इसको रीडेबल भी बोलते हैं, ये उसको रीड करता है। ठीक है, व्हाइट और ब्लैक कलर में होता है, इसको क्रिएट किया जाता है और इसको केवल इसका पिक लेकर के हम इसको पेमेंट कर सकते हैं। यानी हमें कार्ड को किसी POS मशीन में स्वैप करने, ATM में डालने की जरूरत नहीं है। तो ये इसका फायदा है, ये बहुत ऑथेंटिकेटेड होता है और इसको जनरेट करना पड़ता है ना। भारत QR कोड बोलते हैं, जो अदर QR कोड से सम डिफरेंट है, बिकॉज भारत QR कोड में बहुत सारा डिटेल दिया होता है, मर्चेंट का नेम और वो सब कुछ दिया होता है, इसलिए काफी मतलब सिक्योर हो जाता है। ठीक है, AEPS आधार इनेबल पेमेंट सर सिस्टम, मैंने आपसे बोला कि आधार नंबर के थ्रू आप जो है कि दूसरे के अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं, वहां पर आपका फिंगरप्रिंट लिया जाता है। इससे जो है एक इलिटरेट पीपल को, जो शिक्षित नहीं है, उन्हें सिक्योर किया जाता है कि उनका पैसे मिसयूज ना हो। ये इसका इसी पर्पज से आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम को लाया गया था। ठीक है, भीम है, ये भी एक यूज किया जाता है, UPI सिस्टम है, आप इसको पढ़िएगा। ये USSD है, ये सारी चीजें हैं। इसमें जैसे मोबाइल में होता है *99# दबा करके आप किसी भी GSM फोन में ये सेटअप होता है, आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। जब आपका जो है नेट नहीं चलता हो तभी भी ये यूज हो सकता है, इसको डेवलप किया गया है। वॉट आर द की बेनिफिट्स ऑफ एनफो, एक्सेसिबल थ्रू द कॉमन कोड *99# अक्रॉस ऑल टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स। ठीक है, तो ये चीजें हैं। GPRS इज नॉट रिक्वायर्ड, वर्क्स ओनली ऑन वॉइस कनेक्टिविटी, इसमें कोई स्मार्टफोन की जरूरत नहीं है, सिंपल फोन से भी काम हो जाता है, कोई एडिशनल चार्ज नहीं है, और ये फाइनेंशियल इंक्लूजन को बहुत पुअर सेक्शन तक लेके जाता है। मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या है, लास्ट ईयर एक UPSC में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। मर्चेंट डिस्काउंट रेट है, सपोज करिए कि ये मर्चेंट है और ये कस्टमर है। ठीक है, हम जो कुछ भी यहां से परचेज करते हैं और इसको पेमेंट करते हैं, डिजिटली जो भी पेमेंट लेती है, इस पेमेंट पर बैंक इससे मर्चेंट डिस्काउंट रेट डिसाइड करती है। ठीक है, क्योंकि बैंक ये सब फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, बट मर्चेंट इसको तो कस्टमर से कलेक्ट करके और डिपॉजिट कर देते हैं। ये पहले से परसेंटेज वाइज डिसाइड रहता है अब टोटल ट्रांजेक्शन्स का, तो ये पेमेंट होता है, इसी को कहते हैं मर्चेंट डिस्काउंट रेट। डिजिटल पेमेंट को बढ़ाने के लिए बैंक और RBI, गवर्नमेंट और RBI अपने इस रेट को रिड्यूस करती हैं, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस मीडियम को, माध्यम को यूज करें, डिजिटल पेमेंट को यूज करें। बैंकिंग ओम्बुड्समैन, अब क्या होता है बैंकिंग ओम्बुड्समैन, आप देखो हमें बैंक में जो भी सर्विस लेते हैं, बाय द वे बैंक नॉट प्रोवाइड प्रॉपरली, तो हम इन सर्विस ना देने के नाते हम बैंक में शिकायत करते हैं। अगर बैंक नहीं सॉल्व करती है तो हम जो है कि बैंकिंग ओम्बुड्समैन में, बैंकिंग लोकपाल में जाके शिकायत करते हैं। बट इसके लिए क्राइटेरिया है, क्या
हम यहां शिकायत करेंगे 30 डेज के अंदर अगर उन्हें हमें रिडर्सल नहीं किया, सॉल्व नहीं किया, देन आई विल मूव इन द बैंकिंग ऑम्बुड्समैन, इससे पहले नहीं जा सकते हैं, या उन्होंने जो सोल्यूशन दिया हम सेटिस्फाई नहीं है, या मेरे कंप्लेन को रिजेक्ट कर दिया, इन दिस सिचुएशन हम जा सकते हैं। लेकिन पहले हमको यहां रजिस्टर करना होगा और वन मंथ बीतने के बाद ही जा सकते हैं। दूसरी चीज, हमने जब यहां पर रजिस्टर्ड किया इससे और या जो डिसीजन आया उससे एक साल बाद हम नहीं जा सकते, एक साल के अंदर ही अप्लाई करना है, ये सब कंडीशन होता है। अभी आज के डेट में 22 रीजनल ऑफिसेज हैं बैंकिंग ऑम्बुड्समैन के, लगभग सभी स्टेट के उसके कैपिटल में इसको एस्टैब्लिश किया गया है, अदर्स में भी एस्टैब्लिश किया गया है, ठीक है। और इसमें काम करने वाले लोगों की एज 55 ईयर्स का रखा गया है और ये 3 ईयर्स की अपॉइंटमेंट होती है। आरबीआई के लोग ही इसमें काम करते हैं, ठीक है, ऑफिसर्स को ही अपॉइंट किया जाता है बैंकिंग ऑम्बुड्समैन। पिछले लेक्चर में भी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, बट वहां पर मैटर नहीं दिया था, इसलिए यहां पर मैंने मैटर जोड़ दिया है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, और आज का सेशन हम यहां समाप्त करते हैं। ये सारी बातें लिखी है जो हमने यहां पर लिखा है, ठीक है, आप देख सकते हैं। आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना ना भूलिए और अपने तैयारी को अंजाम दीजिए। थैंक यू वेरी मच।